अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय व्लॉग। और हम गए गीगा मॉल इस्लामाबाद, और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत क्रिसमस ट्री एक डेकोरेट हुआ हुआ था। यहाँ पर अज़दान ने एक पिक्चर भी ली जो कि बहुत क्यूट आई। और फिर उसके बाद हमने वहाँ का गप्पा घोटाला खाया। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट प्लेस, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। और ये गप्पा घोटाला बहुत बेकार था। इस्लामाबाद में हमें कुछ भी खाना ढंग का नहीं मिला, भले वो बड़े से बड़ा ब्रांड हो या छोटे से छोटा ठेला हो, कहीं का भी खाना जो है वो इतना मुनासिब नहीं था कि हमें बहुत मज़े का लग रहा हो। ये बात नहीं है कि हमारे टेस्ट बस ख़राब थे और हमारी तबीयत ख़राब थी, वो तो थी ही हमारी, लेकिन वैसे भी टेस्ट जो था वो खाने का बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये चाइना पता नहीं क्या नाम था उसका, वहाँ से हमने जो है वो चाइनीज़ भी लिया था, उसका भी टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। गप्पा घोटाले में इन्होंने दही भल्ले का सामान डाल दिया था। हाँ जी, सबसे अच्छी बात गीगा मॉल की उनका रूफ टॉप था, जहाँ पर लाइव कवाली हो रही थी और बेहतरीन ये बंदा गाने गा रहा था और ज़बरदस्त ये सीन ऑन था। और यहाँ पर हीटर्स लगे हुए थे फ़ैन वाले, जिससे बहुत सुकून मिल रहा था। सबसे बेस्ट पार्ट इस्लामाबाद का बस यही था कि यहाँ पर रूफ टॉप पर हीटर्स हमें मिल रहे थे, क्योंकि जहाँ हम इस्लामाबाद पर रह रहे थे वहाँ पर हीटर्स नहीं थे। इस्लामाबाद में कोई क्लास की सर्दी हो रही थी और हम कराची वालों के लिए तो ये सर्दी बर्दाश्त के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। यहाँ पर मोटू पतलू और इस तरह के और भी करेक्टर्स थे जो वहाँ मौजूद थे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत अच्छा और मज़े का माहौल था। आगे की तरफ फैमिलीज़ का सिटिंग अरेंजमेंट था और पीछे की तरफ बॉयज़ थे, और बहुत अच्छा और तमीज़ का माहौल था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके पास गार्ड्स थे, दो तीन गार्ड्स खड़े हुए थे, तो किसी भी तरह की कोई भी गंदगी या कोई भी बुरी हरकत जो है वो नहीं कर सकते थे। आज का व्लॉग मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।